आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ आप लोगों के लिए वो है चटपटे चने की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो वीडियो को एंड तक देखें, बिना स्किप किए मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ इस रेसिपी को। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने काबुली चना ले लिया है 100 ग्राम, जिसे मैंने 6 से 7 घंटा पहले भिगो कर रखा था। ये छोटे वाले काबुली चने हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कुकर रख लिया है, उसमें 1 चम्मच तेल गर्म कर लिया है मैंने। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, और उसके बाद डालेंगे 1 चुटकी हम हींग डाल देंगे इसके अंदर, और इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ प्याज, एक छोटा प्याज मैंने लेकर बारीक काट लिया था, उसे डाल देंगे इसके अंदर, और लाइट गोल्डन कलर होने तक के हम इसे भून लेना है। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए। हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। तो देखिए लगभग मैंने 1/2 से 1 मिनट इसे पका लिया है और इसका कच्चापन निकल गया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हमारे भिगोए हुए चने, और डालकर इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, और यहाँ काली मिर्च पाउडर 1 चुटकी जितना, और यह चाट मसाला पाउडर डाल दिया है मैंने। नमक अपने स्वाद के हिसाब से डाल लें, और इन सभी को अच्छे तरह से हमें भून लेना है। लगभग 1 से 1.5 मिनट हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए हम इस तरह से भून लेंगे इसे, और इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है लगभग 1 गिलास। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। अब यहाँ पर मैं ढक्कन लगाकर इसे 4 से 5 सीटी आने तक के पका लूँगी, उसके बाद हमें चेक कर लेना है। तो लगभग हमारे 5 सीटी हो चुके हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ, और कुकर के ढक्कन को हटा लिया है मैंने। अब इसे चेक कर लेते हैं चना हमारा गला है या नहीं। तो इस तरह से मैं चम्मच से दबा कर देख रही हूँ। तो देखिए चना हमारा गल चुका है 5 सीटी में। अब वो डिपेंड करता है कि आप चना कितना देर पहले भिगोते हैं, उतना जल्दी आपका चना भीग जाएगा और गल जाता है। तब यहाँ पर इसे अच्छे से हम चला लेंगे, और जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है उसे सुखा लेंगे। तो देखिए हमारा चने का सारा पानी सूख चुका है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच बेसन, और इस बेसन को हमें थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो ध्यान रहे इसमें कोई भी लम्स ना रहे, इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है पानी में। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इमली का पानी। इमली को मैंने भिगो कर रख लिया था और उसका पानी निकाल लिया यहाँ पर, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है इमली का, और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो बेसन का पानी मैंने बना कर रखा था उसे भी डाल लेंगे, और इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है 2 से 3 मिनट, जब तक हमारा बेसन का कच्चा स्मेल ना निकल जाए। तो बहुत अच्छी तरह से इसे भून लें। तो इस बेसन से इसमें बहुत अच्छी सी कोटिंग आ जाती है, और हमारे इमली का जो खट्टापन है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो देखिए हमारा चना भून चुका है। अब मैंने इसे एक कटोरे में सर्व कर लिया है, और इसे गार्निश कर लेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बारीक कटा प्याज, नींबू के रस, और थोड़े धनिया के पत्तों के साथ मैं इसे गार्निश कर लूँगी। तो बहुत ही चटपटी सी हमारी चने की रेसिपी जो बन चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन ऑन पर क्लिक कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो हम आपसे फिर मिलते हैं नई वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर पर बनाएं और एंजॉय करें।